हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल विल बी एब्सोल्युटली फाइन गाइस। राधे राधे, जय माता दी आल्सो गाइस। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही जबरदस्त गाइस, क्योंकि आज है लास्ट डे ऑफ द ईयर। सो गाइस सही पकड़े हैं। कौन कौन क्या क्या कर रहा है आप बताइए मुझे। मैं तो कर रही हूँ गाइस किचन की सफाई, क्योंकि अच्छा कि लास्ट ईयर के साथ साथ आज संडे है, तो मैंने सोचा आज किचन क्लीन करें। किचन क्लीन करने के बाद मंदिर क्लीन करेंगे, मंदिर क्लीन करने के बाद घर तो साफ ही और कर लेंगे। बात तो सही है। तो गाइस थोड़ा सा क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा तो कल नया साल है तो फ्री रहेंगे। और गाइस साथ के साथ हम जा रहे हैं अपने ठाकुर जी को सुबह का भोग लगाने, तो पूड़ी और आलू की सब्जी का भोग लगाने जा रहा है गाइस। तो चलिए हमारे ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। सो गाइस सबसे पहले क्या बोलना है भोग लगाते समय, आपको तो पता ही है कि कुंज बिहारी श्री हरिदास महाराज की जय, कालका माई की जय। सो गाइस हमारे लड्डू के दर्शन कर लीजिए आप प्यारे प्यारे हमारे गोपू को, क्योंकि हमारे गोपू जो हैं बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज शॉपिंग होने वाली है गोपू की। तो गोपू के लिए हम लाने वाले हैं न्यू क्लोथ्स। सो गाइस हमारे गोपू बैठे हुए हैं, देख लीजिए, राधे राधे। और हमारी लाडली, हमारी राजेश्वरी भी बैठी हुई है, हमारे गोपाल जी भी बैठे हुए हैं, हमारी माँ बैठी हैं। तो सबको सबको कर दो राधे राधे लड्डू। और गाइस लड्डू इतने प्यारे हैं ना, मैं बता नहीं सकती आपको। इन्हें आज बिस्किट खाना था तो सुबह सुबह इन्होंने बिस्किट मंगवा लिया, और आज इनको न्यू क्लोथ्स भी चाहिए हैं, तो आज न्यू क्लोथ्स आएंगे हमारे लाडले के। और अभी से ही ये तो न्यू ईयर के लिए बहुत एक्साइटेड है, ये देखना ज़रा। और आज इन्हें कहीं घूमने का भी मन कर रहा है, तो मे भी शायद आज हम इन्हें कहीं घुमाने लेके जाएं। हाय हाय, इतना सुकून। तो डेफिनेटली सारा ब्लॉग आपको दिखाएंगे गाइस। और गाइस कल मेरी थोड़ा सा टाइम नहीं मुझे मिला ब्लॉग अपलोड करने का, सो आई एम सो सॉरी फॉर दी यस्टरडे। और गाइस सम टाइम ऐसा हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग जितने भी प्रीवियस व्लॉग्स हैं वो देखिए। तो गाइस लड्डू को फटाफट से भोग लगाते हैं, हमारे लाडले को, हमारी माता रानी को भोग लगाते हैं, ठीक है। सो गाइस भोग लगाते समय हमेशा हमें लड्डू को यही बोलना चाहिए कि कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, और भोग स्वीकार करें प्रभु। तो ऐसे ही भोग लगाया जाता है। सो गाइस देख लीजिए मैं कहाँ चढ़ी हुई हूँ, और लगी पड़ी हूँ काम में, नीचे से ऊपर चढ़ी पड़ी हूँ। ये देखिए गाइस, ये देखिए बहुत गंदगी हो रही है गाइस यहाँ पे, तो मैंने यहाँ का पूरा खाली करके साफ कर रही हूँ, और ये भी ऊपर का भी निकालूंगी सारा सामान। सो गाइस कितना काम हो जाता है ना, मतलब हम चाहें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लेटे पड़े रह सकते हैं, लेकिन गाइस जब घर गंदा हो ना, मतलब ऐसा लगे कि नहीं नहीं घर भाई साफ करना है, तो साफ कर लेना चाहिए गाइस। क्योंकि गाइस जितनी क्लीनिंग आप रखेंगे उतना ही बढ़िया होगा। और गाइस साथ के साथ देख लीजिए मेरा जो टम्मी है वो कम करने के लिए, ये ऑपरेशन के टाइम मुझे बेल्ट मिली हुई थी तो मैंने ये बांध ली। मैंने कहा ये भी बांधेंगे, साथ के साथ डाइट फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा टम्मी कम। सो गाइज आज से मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि आई एम जस्ट गोइंग टू लूज माई वेट। सो गाइज आज मैं आपको एक बड़ी ही अच्छी सूप की रेसिपी देने वाली हूँ, जो कि विंटर्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, फॉर दी लूजिंग वेट एंड फॉर दी गेटिंग मोर न्यूट्रिशंस, बिकॉज बाय दी वेजिटेबल्स वी आर गोइंग टू पुट लॉट ऑफ वेजिटेबल्स इन द सूप। सो यू जस्ट गाइज कीप वॉचिंग, मैं डेफिनेटली आज आपको दिखाने वाली हूँ, तो पहले ये निपटा लूँ उसके बाद दिखाती हूँ। सो गाइज आई जस्ट नाउ आई गॉट टाइम टू मेक समथिंग, और देखो गाइज आज कंगी भी नहीं करी काम के मारे, पर मेरी किचन चमक गाइज, किचन बढ़िया चमक गई है, अच्छे से साफ सफाई कर दी मैंने, सारा 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 सेट कर दिया पूरा पूरा, ये टाइल वाइल सारे रगड़ के चकाचक चमका दी, ये टाइल वाइल सारी सारा सारा साफ कर दिया, ये सब साफ कर दिया नीचे का, इसके अंदर वंदर का सारा साफ कर दिया गाइज। अच्छा तो गाइज बस किचन साफ रहे ना, वैसे तो पूरा ही घर साफ रहे तो गाइज सही लगता है। तो गाइज अभी देखिए मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि गाइज आज ठंड बहुत हो रही है, तो मैंने कहा कि सूजी का हलवा बनाया जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों को कुछ नहीं मिल पा रहा गाइज, क्योंकि हम आपको पता ही है नॉन वेजिटेरियन नहीं है, हम लोग वेजिटेरियन हैं। लहसुन प्याज भी मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली नहीं डालती, क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ, लड्डू गोपाल के लिए भी भोग बनना होता है तो मैं नहीं यूज़ करती। तो गाइज़ इसीलिए मैंने कहा चल थोड़ा गरम गरम हलवा बना देती हूँ, तो इससे बच्चों को थोड़ा सा ये है कि लड्डू के लिए भी हो जाएगा और बच्चों के लिए भी हो जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये वाली कटोरी से 2 कटोरी सूजी ले ली है, और यहाँ पे मैंने उससे थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया है डबल, अब मैं इसमें चीनी डालने जा रही हूँ। साथ के साथ गाइज मैंने सर्दी के लिए एक चीज़ करी है, मैंने क्या किया थोड़े से बादाम भिगा के रखे थे, उसका पेस्ट
कर लिया है। तो गाइस बच्चे वैसे ना बादाम के लिए मुंह बनाते हैं, ऐसे पेस्ट करके डालने से उन्हें पता भी नहीं चलेगा और ये गर्म भी हो जाएगा हलवा। तो गाइस आप भी इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। और गाइस मुझे सब कुछ पसंद है, मुझे बस गंदगी पसंद नहीं है बिल्कुल भी। सीरियसली गाइस आप मानेंगे नहीं, अगर घर फैला हो ना मैं बैठ नहीं सकती, चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ भी हो, गंदगी नहीं गाइस मुझे पसंद। तो गाइस बस अब घर सारा चकाचक साफ कर दिया मैंने, पूरी साफ़ सफाई कर दी। यहाँ पे ये थोड़े गीले कपड़े हैं तो हैंगर पे टांगे हुए हैं, बाकी सारा साफ़ कर दिया। लड्डू सो रहे हैं अभी मेरे, तो मैंने कहा उनके लिए भोग बना के रख दो, शाम को उठेंगे तो हलवे का ही भोग उनको खिलवा दूँगी। और बच्चे अंदर गाइस टीवी देख रहे हैं, हीटर ऑन करा हुआ है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है गाइस। तो गाइस देखिए आजकल पता नहीं क्या नया चल रहा है, एक तो मोए मोए चल गया और आजकल कोई शेर शेर बड़ा फेमस हुआ पड़ा है इंस्टाग्राम पे। तो एक्चुअली गाइस मुझे पता नहीं था, यही दोनों देख रहे हैं, मैंने कहा ये क्या देख रहे हो तुम पागल आदमी। तो ये कह रहा नहीं ये मम्मी बहुत फेमस है, हमारे स्कूल में भी सब ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं करते शेरणी, यो शेर तेरी गैली जाएगा शमशान में शेर। ये क्या सीख, वो कहां गिर गया देखो, ओए जमीन पे कहां गिर गया, इधर आके। तो भाई मथुरा वृंदावन के होटल में हम सारे भाई ने खाए 80 पराठे और गाय, और अपने शेरपाल भाई ने खाए पूरे 40 परांठे और अपने जादू भाई ने खाए पूरे 80 परांठे, मिला के पूरे 83 पराठे हो गए शेर शेर। भैया दोनों भाइयों ने शेरपाल ने जोपाल ने 40 रोटी इतने खाई है, टोटल 80 रोटी और 3 रोटी हमारी 83 रोटी खाई है भैया। चीता बोल रहे हैं पेट यहाँ जा रहे हैं, सिस्टम पार देंगे। हाँ इतने परांठे खा के तेरा पेट बता रहा है कि तूने इतने परांठे खाए हैं, देख तेरा पेट बता रहा है। तो गाइस इससे हमें ये पता लगता है कि ये स्कूल में ये सीखते हैं शेर, ये पढ़ने नहीं जाते। क्या है ये शेर, क्या है ये? एक अंकल बहुत फेमस हो गए। अरे कौन है वो अंकल, उनकी क्या बोलते हैं वीडियो वायरल हो गई, वो उन्होंने बहुत मतलब एमी बनाई और वायरल हो गई। एमी नहीं, वो बहुत ज्यादा डायलॉग बनाते हैं। अच्छा आप डायलॉग मारते हैं और क्या बोलते हैं? बस कुछ नहीं, और उनकी कहानी है गाइस आप देखोगे ना बहुत है। साड्डा दिल करता चूचा चल गया चूचा चू कैसे साड्डा करता। आजकल ना आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है बच्चों को, हमें मतलब बच्चों को ऐसी बातें पता है क्या वायरल हो रहा है क्या फेमस हो रहा है। सीरियसली बता रही हूँ गाइस, मैं लिटरली मुझे मोए मोए भी नहीं पता था। ट्यूशन के बच्चे हैं उन्होंने बोला मैम आपको पता है मोए मोए बहुत फेमस हो रहा है, मैंने कहा मुझे तो नहीं पता मोए मोए क्या होता है। कह रहे पता नहीं ये कोई वीम है कि हंसी मजाक पे ऐसे डालते हैं मोए मोए, मैंने कहा अच्छा। फिर उसने मुझे करके बताया मेरे स्टूडेंट ने, मैंने कहा अच्छा ये होता है ऐसे शेर शेर कर रहे हैं बहुत देर से शेर, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो शेर? तो कह रहे एक अंकल फेमस हो गए हैं वो ऐसे करता है शेर, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं अपना क्या एक टाइटल बनाऊँ, मैं बनाऊँगी क्या बाई ओ बाई, क्योंकि हम बुंदेलखंड से है ना गाइस तो हम बाई बनाते ओ बाई। किडिंग। सो गाइस यहाँ पे हो रहा है क्या नाम है पानी, और गाइस पानी में ना मैं थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे गाइस हमारे हलवा बनाना है। मैं एक डायलॉग सुनाता हूँ मैं आपको जो मैंने खुद बनाया है। सो लुगाई हरो सब लोग सुन लो, जे शादी में इन लुगाइयों ने खाए पूरे 40 बरा, और आप लोग देख सकते हैं 40 बरा गाय और लुचाई नहीं नहीं 40 बरा खाए और 50 खाए लुचाई और एक टुकनिया भर खाए लडुआ। ओ लुगाई हरो शेर, अरे लुचाई कह दे बुंदेलखंड कह दे। अपनी भाषा बोलने में ना बड़ा ही मजा आता, सही बता रही हूँ मैं तो। मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा आपको बोल के बताती हूँ, ठीक है, एंटरटेन करती हूँ आप लोगों को। चलो सो गाइस अबे बन रहा हो अच्छा सूजी को हलवा, कैसे बहुत जाड़ो पर रहो, सो हमने कही कि हलवा बनाओ जाए तना गर्माहट सी हो जाए तना, हम ऐसी नाम है बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही और हम तो कछु खात नहीं अंडा अंडा सब छोड़ दो हमने तो बहुत दिना हो गए। सो हमने सोची कि अच्छो बादाम वालो हलवा बनाया जाए और बच्चा ना खपा हो जाए, ठीक है। सो हम बनाने जा रहे हलवा और जी जी हाँ खाने सो तो मासा खत्म मोइलो, बढ़िया टेस्टी हलवा बना रही मैं। और जो मोरे बुंदेलखंडी भाई बहन देख रहे हैं सो मोइ लाइक सपोर्ट एंड शेयर जरूर करना गाइस,
तो अब आ गई हूँ मैं हिंदी पे। और गाइस हमारे जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी हैं, शास्त्री महाराज जी हैं, वो कितना बढ़िया बोलते हैं ना, ठटरी के बरे आगे के लगे लुगर लगे। तो ये हमारी गांव की गाली है गाइस, ठटरी के बरे आगे लगे लुगर लगे। भैया बड़ी गंदी गंदी गालियाँ देती हैं औरतें हमारे साइड में गाइस, सीरियसली इतनी गंदी गंदी गालियाँ देती है ना शादी ब्याह में, तो इतनी गंदी गालियाँ देती हैं आप सुन नहीं सकते। हमारे यहाँ पे ना शादियों में उनको समधियों को गाली पड़ती है, ठीक है, लड़के के बहनों को गाली पड़ती हैं, लड़की की माँ को गाली पड़, लड़की की नहीं लड़के की माँ को गाली देती हैं औरतें, लड़की वाली देती हैं। तो हमारे यहाँ ये मतलब चला नहीं, लोकगीत है गाइस गाली देना, तो बहुत ज़्यादा गालियाँ दी जाती हैं, मज़ा आता सुन। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए सिरप, शुगर सिरप मैंने बना दिया है। और गाइस कितना ही इंग्लिश बोल लो हिंदी बोल लो यार, मज़ा अपनी मातृभाषा में ही है जो हमारी नेटिव लैंग्वेज है। वैसे तो हमारी हिंदी है बट गांव साइड से बुंदेलखंडी है ना, तो बुंदेलखंड के हुए हम, तो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज है। और गाइस घी भी डाल चुकी हूँ मैं, घी जो है सूजी पी गई है, थोड़ा सा और भून रही हूँ गाइस, उसके बाद मैं सारा इसमें ट्रांसफ़र करके भूनूंगी। तो बताइएगा गाइस किस किस को हलवा पसंद है कमेंट करके। और गाइस सीरियसली बड़ा सुकून मिल रहा है आज मुझे किचन, मतलब रोज ही करती हूँ बट आज पूरा डीप क्लीनिंग किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस सीरियसली। तो गाइस एक गाना याद आ रहा है मुझे अपने यहाँ का बुंदेलखंड का, तो बड़ी हंसी आती है, तो मैं आपको सुनाती हूँ गाना, ठीक है। गई थी भाजी लेन पटका छुड़ा लौरे लरकन ने, गई थी भाजी लेन पटका छुड़ा लौरे लरकन ने, पटका छोड़ा लो मोरी भाजी छुड़ा लई दई घूसन की माँ के, पटका छुड़ा लौरे लरकन ने। अब इसकी ना मतलब बताना मुझे कमेंट में कि क्या है, ठीक है। गई थी भाजी लेन, मतलब भाजी हमारे यहाँ साग को बोलते हैं, कि साग लेने गई थी, तो जो साग के लिए मैं कपड़ा लेके गई थी ना जिसमें बांध के लाते हैं साग, मोस्टली गाइस पन्नियाँ नहीं लेके जाते गाँव में, सब लोग जो है कपड़ा लेके जाते हैं, तो उसको पटका बोलते हैं, कि गई थी भाजी लेन पटका छुड़ा रहो रे लरकन ने, लरकन माने लड़के, ठीक है। और दही घूसन की मार, और घूसे की मार मारी, ठीक है। तो ऐसा कुछ सॉन्ग है ये, और बहुत अच्छे से सॉन्ग है गाइस हमारे साइड, आप सुनेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइस बुंदेलखंड बहुत मस्त है, आप जाइए घूमिए बुंदेलखंड, बागेश्वर धाम जाइए आप जटाशंकर जाइए आप खजुराहो टेंपल जाइए आप, बहुत जगह जा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह है वहाँ पर घूमने की। और आप पन्ना चले जाइए, पन्ना साइड बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर हमारे ठाकुर जी का मंदिर है बहुत बड़ा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, कहीं भी चले जाइए, सारे मस्त घूमिए इंजॉय कीजिए गाइस। वैसे भी नया साल आ रहा है, तो पुरानी जितनी भी फालतू की बातें हैं उसे निकालिए, कहते हैं ना जस्ट पुट योर पास्ट इन द डस्टबिन, कीप योर प्रेजेंट इन योर डेस्क एंड कीप योर फ्यूचर इन ऑलवेज इन योर माइंड, ठीक है। सो ऑलवेज गाइस यही करिए, बीती बातें डालिए डस्टबिन में, प्रेजेंट रखिए डेस्क पर, और जो आगे भविष्य में होने वाला है वो अपने दिमाग में रखिए। सो गाइस जस्ट कैरी ऑन। यहाँ पे जो मैंने बादाम का पेस्ट करा था वो भी डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड। और बस अब इसको फटाफट से बनाते हैं बढ़िया हलवा। तो गाइस जिस जिसको खाना हो यू कैन जस्ट कम, डेफिनेटली आई विल मेक फॉर यू। मस्त तैयार हो गए देख लीजिए, और यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, तो चलिए फटाफट हलवा सर्व करते हैं गाइस, फटाफट सर्व करते हैं, मतलब सर्व कर दिया है देते हैं, तो आप लोग भी बना लीजिएगा गाइस हलवा सर्दी में फटाफट से। तो गाइस हम लोग काम करके फ्री हो गए हैं, और हम लोगों को नींद आ रही थी पर हम लोग सोए ही नहीं सीरियसली गाइस, बाबू आवाज़ कम कर। और गाइस आज कुछ ज़्यादा सर्दी हो रही है, मन ही नहीं कर रहा कुछ भी करने का, बट फिर भी मैंने खाना बना लिया है। और गाइस देखिए क्या चल, देखिए क्या बना हुआ है, क्या बना हुआ है रे, गुंडे ही बनी हो, अच्छा मत बनी हो तू, शेर कैसे, शेर कैसे हो, अरे की बार जादू ही क्या दे जीता ही क्या दे, क्या दे बाई क्या दे बाई बब्बा ही क्या दे, शेरड़ी यो शेर तेरी गेल ही जाएगा शमशान में। हाँ सही कह रहा है। ओम शेर जल्दी, ओम शेर, ओमा शेर तो बोल, शेर तू नहीं वो बोलेगा,
ओम बोलियो शेर, वो भी बिजी है गुलजार में। गाइस अपना फेवरेट गुलजार देख रहा है वो तो। डायलॉग बाय बब्बा का दद्दा ओम कहते भाई कह दे भाई सही से बोलना भाई कह दे अपना टाइटल बनाया भाई कह दे अरे कक्का ही कह दे अरे नन्ना ही कह दे अरे बिन्नू ही कह दे। गाइस कल है न्यू ईयर और गाइस आज पापा जी लाए हैं हमारे लिए बहुत ही बढ़िया गिफ्ट्स। और गाइस न्यू ईयर के इतने बढ़िया गिफ्ट है ना मैं क्या बताऊँ आपको। सो गाइस आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या गिफ्ट लाया है पापा जी। तो गाइस मिलते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टॉफी जो कि ओम के मतलब की है। और गाइस ये चॉकलेट वाले जितने भी आइटम्स है गाइस वो ओम के मतलब के हैं। थोड़ा बहुत मैं भी शेयर कर लूँगा। और गाइस ये है पापड़ी। और गाइस ये देखिए क्या है इसमें बेबी फ्रॉम हल्दीराम का है गाइस कुछ। सो गाइस इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। वाओ गाइस देखिए कितनी मस्त टॉफी चॉकलेट्स हैं गाइस। गाइस एक चीज़ और है जो कि गाइस गैस करो। सो गाइस ये है वो मेरी फेवरेट चीज़ जो कि है समोसा। सो गाइस ये मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहते हैं। और गाइस अब हम सारी चीज़ें रखने वाले हैं हमारे लड्डू जी के पास। सो गाइस यहाँ पर बढ़िया सजा के रख देते हैं लड्डू जी के पास। लड्डू ग्रहण कर लेंगे इसको। सो गाइस माचिस को यहाँ रखते हैं। गाइस ये चॉकलेट वगैरह सब यहाँ रख देते हैं बढ़िया। सो गाइस हमारे लड्डू देखिए हैप्पी न्यू ईयर। बस 12 बजे तक ही हमें हैप्पी न्यू ईयर विश करेंगे। हेलो लड्डू। सो गाइस मैं अभी खाना खाने जा रहा हूँ खाना खाने। और गाइस मिलता आपको थोड़ी देर में। गाइस खाने को कभी वेट नहीं करवानी चाहिए। गाइस मिलता आपको थोड़ी देर में।